नष्टो मोहा का मतलब देह से नष्टो मोहा। नष्टो मोहा मीन्स टू बिकम फ्री फ्रॉम द अटैचमेंट ऑफ द बॉडी। देह कैसे बचेगी अगर लौकिक धंधा नहीं करेंगे। पीपल थिंक हाउ विल द बॉडी सर्वाइव इफ वी डोंट डू लौकिक मीनिंग वर्ल्डली बिजनेस। पेट पूर्ति कैसे होगी। हाउ विल वी फिल अवर स्टमक। चिंता लगी रहती है। दे आर वरीड अबाउट दिस। जबकि होना चाहिए एक्चुअली इट शुड बी दिस वे। अगर बाप का पक्का बच्चा है इफ ही इज अ ट्रू चाइल्ड ऑफ द फादर। और अस बच्चा है इफ ही इज अ लेजिटिमेट चाइल्ड। तो जो बाप का धंधा वो बच्चे का धंधा होना चाहिए। द बिजनेस ऑफ द फादर शुड बी द बिजनेस ऑफ द चाइल्ड। उसे कहेंगे पक्का ब्राह्मण। ही विल बी कॉल्ड अ ट्रू ब्राह्मण। नहीं तो अदरवाइज दो चार छह घंटे के लिए ईश्वरीय सेवा में बुद्धि लगती है। द इंटेलेक्ट इज एंगेज्ड इन द सर्विस ऑफ गॉड फॉर 2-6 आवर्स। आत्मिक स्थिति में रहने का प्रयास करते हैं। दे ट्राई टू स्टेबलाइज इन सोल कॉन्शियसनेस। और बाकी सारा दिन और रात एंड फॉर द रेस्ट ऑफ द होल डे एंड नाइट लौकिक दुनिया में बुद्धि घूमती रहती है। देयर इंटेलेक्ट कीप्स वॉन्डरिंग इन द लौकिक वर्ल्ड। तो ज्यादा संग का रंग किसका लगेगा। सो विच कलर विल बी अप्लाइड मोर। है लौकिक दुनिया का ज्यादा संग लग जाता है। दे आर मोर कलर्ड बाई द फिजिकल वर्ल्ड। और वो रंग भी देखने में आता है। एंड इट्स कलर मीनिंग इफेक्ट इज ऑल्सो विजिबल। कहते भी है जैसी अवस्था पहले बनती थी जब ज्ञान में आए थे। दे ऑल्सो से द स्टेज वी यूज टू अटेन अर्लियर व्हेन वी केम टू नॉलेज। चाहे बेसिक में चाहे एडवांस में। वेदर इट वॉज बेसिक और एडवांस नॉलेज। वैसी अवस्था अब नहीं बनती। वी आरंट एबल टू अटेन सच अ स्टेज नाउ। क्या कारण हुआ। व्हाट इज द रीजन। कारण है द रीजन इज दैट संघ का रंग बदली नहीं किया। दे हैवंट चेंज्ड द कलर ऑफ द कंपनी। करना है सत्य का संग। वी मस्ट बी इन द कंपनी ऑफ ट्रुथ। और ज्यादा टाइम देते हैं असत्य की दुनिया में। बट वी स्पेंड मोर टाइम इन द वर्ल्ड ऑफ फॉल्सिटी। तो पहला नष्ट हो मोहा अपनी देह से। सो फर्स्ट वी शुड बिकम फ्री फ्रॉम द अटैचमेंट ऑफ अवर बॉडी। दूसरा नष्ट हो मोहा देह के पदार्थों से। सेकेंड इज टू बिकम फ्री फ्रॉम द अटैचमेंट ऑफ द पोजेशंस ऑफ द बॉडी। दुकान मकान द शॉप्स द हाउस खाने पीने और पहनने के पदार्थ द थिंग्स वी ईट ड्रिंक एंड वेयर। खाने के लिए जिंदा नहीं रहना। वी मस्टंट लिव टू ईट। पुरुषार्थ करने के लिए पाव भर आटा ब्रह्म वाक्य में बताया। इट वॉज सेड इन द सेंटेंसेस ऑफ ब्रह्मा टू मेक पुरुषार्थ वी नीड जस्ट अ क्वार्टर किलोग्राम ऑफ फ्लावर। नमक डाल के रोटी बना लो। एड सॉल्ट टू इट एंड मेक रोटीज चपातीज। नहीं तो पानी में रात में अनाज भिगो दो। और सो ग्रेन्स इन वाटर ओवरनाइट। और सुबह को हो सके तो अंकुरित बना के खा लो। एंड इन द मॉर्निंग इफ पॉसिबल ईट देम आफ्टर दे स्प्राउट। पाव भर सिर्फ जस्ट अ क्वार्टर किलोग्राम। जिंदा रहेंगे या नहीं रहेंगे। विल यू बी अलाइव और नॉट स्टूडेंट। वी विल। लेकिन नहीं बट नो। देह का अच्छे से अच्छा पोषण करने के लिए इन ऑर्डर टू नरिश द बॉडी इन द बेस्ट वे बहुत आपस में लड़ाइयां लड़ेंगे। दे विल फाइट अ लॉट अमंगस्ट देमसेल्व्स। लौकिक धंधे वाले भी ये लड़ाइयां लड़ते हैं। दोज हु डू लौकिक बिजनेसेस फाइट।
और अलौकिक में एंड इन द अलौकिक वर्ल्ड जो समर्पण होकर के चलते हैं वो भी आपस में बहुत लड़ाइयां लड़ते हैं। Even those who are surrendered fight a lot amongst themselves. हमको ये चीज क्यों नहीं मिली, वो चीज क्यों नहीं मिली, उसको क्यों मिली, इनको क्यों मिली, हमको क्यों नहीं मिली? Why didn't I get this? Why didn't I get that? Why did he get it? Why did they get it? Why didn't I get it? सारा दिन संघर्ष के संकल्प में बुद्धि चली जाती है। They spend the entire day in the thoughts of struggle. तो पदार्थों से भी नष्ट मोह। So we must become free from the attachment to possessions as well. तीसरा, देह के संबंधियों से नष्ट मोह। Third is to become free from the attachment to the relationships of the body. कौन सा संबंध है? जिसका मोह टूटता ही नहीं। Which is the relationship whose attachment never breaks? बौधा करके देखा जाए Mostly it is seen that तो मृत्यु के समय में भी वो संबंध बुद्धि में याद आता है। That relationship comes to the intellect even at the time of death. बताओ Tell me संबंधों के बीच में कौन सा संबंध है? Which is that relationship among the relationships? है? पति और पत्नी का संबंध। The relationship of husband and wife. ये इतना गहरा मानसिक संबंध है। It is such a deep mental relationship. कि अंत समय में जरूर याद आ जाता है। That it is definitely remembered at the time of death. क्योंकि सारा जीवन स्त्री को पुरुष से ज्यादा सुख मिलता है और पुरुष से स्त्री को ज्यादा संबंध सुख मिलता है। It is because the wife experiences a lot of happiness from the husband and the husband experiences a lot of happiness from the wife. तो सुख का बंधन बंध जाता है। So the bondage of happiness is created. और जिसकी याद में शरीर छोड़ते हैं वो ही चोला मिल जाता है। And the one in whose remembrance they leave their body, they receive the gender of that very body. अंतमते As are the thoughts in the end, सोगते हो जाती है। So is the destination. और भी ढेर संबंध हैं। There are many more relationships. बच्चा, बच्ची, भाई, भौजाई, Son, daughter, brother, sister-in-law, नाना, चाचा, काका, maternal grandfather, uncle, ढेर सारे संबंध, जीजा, जीजी, बहन, बहनोई, There are numerous relationships, brother-in-law, sister, जीजा, जीजी और बहन, बहनोई mean the same. इतना तंग करते हैं बुद्धि को, They disturb the intellect to such an extent, कि सारे संकल्प की शक्ति मिलकर के ईश्वरीय बुद्धि योग को तोड़ देती है। That all the power of the thoughts together break the connection of the intellect with God. तो अंत समय में नष्टो मोहा के पेपर में फेल हो जाते। So in the end, they fail in the paper, meaning exam of becoming free from attachment. इसलिए तुलसीदास ने 400-500 वर्ष पहले ही लिख दिया। That is why Tulsidas has written 400 to 500 years ago. अगर ऊंचे ते ऊंचे विष्णु पद पाना है। That if you want to attain the highest of the high status of Vishnu. तो तन, धन, धाम, स्वर्ण, परिवार, सबकी ममता ताग बटोरी। तन, धन, धाम, सुहर्द, परिवार, सबकी ममता ताग बटोरी। Meaning, you must forsake attachment to your body, wealth, home, friends, and family, and everyone. एक शिव बाबा दूसरा न कोई। ऐसी मन की स्टेज बनाएंगे। If you prepare the stage of the mind this way, one शिव बाबा and no one else, तो जन्म जन्मांतर के लिए शिव बाबा के साथ रहेंगे। You will stay with Shiv Baba for many births.